मुख्यमंत्री पहुंचे गोड्डा। इधर गोड्डा के सांसद ने बता दिया कांग्रेस जेएमएम के कार्यकर्ताओं को भेड़ बकरी। भाजपा ने स्पेशल ट्रेन चलवाया, सांसद ने पूरी दुनिया का जिक्र कर दिया, लेकिन भेड़ बकरी बीच में कैसे आ गया। कांग्रेस तंज कसते हुए भाजपा को तानाशाह बता रही है। इधर भाजपा के एक सांसद ने सीधा भेड़ बकरी से तुलना कर दी। गोड्डा में राजनीतिक भूचाल, एक तरफ जेएमएम, दूसरी ओर भाजपा, किसका जमेगा रंग। निशिकांत दुबे ने अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया जिससे राजनीतिक पंडित भी भौचक्के रह गए। आज गोड्डा में पूरा राजनीतिक मजमा लगा। जेएमएम, कांग्रेस और यहां तक कि भाजपा के नेता भी गोड्डा पहुंचे। जेएमएम के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को देखने पहुंचे। कांग्रेस जय भारत आंदोलन में दिखी और भाजपा ने तो सीधे ट्रेन ही चलवा दिया। इसी सबके बीच भाजपा के सांसद ने कुछ ऐसा बोला जिससे एक वर्ग जरूर खपा हो गया होगा। निशिकांत दुबे ने भेड़ बकरियों से जेएमएम और कांग्रेस की तुलना कर दी। ऐसा किस संदर्भ में किया ये भी जानिए। आज भाजपा की स्पेशल ट्रेन प्रदर्शनकारियों को भरकर गोड्डा से रांची लेकर गई। वैसे ये स्पेशल ट्रेन खास तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को रांची सचिवालय घेरने के लिए ले गई। भाजपा सचिवालय क्यों घेर रही है और कांग्रेस इस पर क्या कह रही है वो आगे बताएंगे। निशिकांत दुबे से इस ट्रेन को लेकर सवाल किया जा रहा था जिस दौरान उन्होंने भेड़ बकरियों का जिक्र कर दिया। निशिकांत दुबे ने कहा भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन पर पूरी बुनिया खिलाते हुए ले जा रही है, कांग्रेस और जेएमएम की तरह मूढ़ी फांक। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और हमारे कार्यकर्ता जो है आराम से रांची जाएं और आराम से रांची से आएंगे तो जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं है जो बंदर बकरी की तरह जाएंगे और बंदर बकरी की तरह ले आएंगे, मूढ़ी फांकते हुए जाएंगे। ये लोग पूरी बुनिया खाते हुए जाएंगे और पूरी बुनिया और मिनरल वाटर पीते हुए वहां आएंगे। इधर उसी समय प्रदेश के मुख्यमंत्री गोड्डा जिला में थे तो लगे हाथों सांसद ने कहा मुख्यमंत्री सचिवालय घेराव की वजह से संथाल परगना के दौरे कर रहे हैं। वहीं गोड्डा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुंदर पहाड़ी प्रखंड के तसरिया मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार राज्य में पंचायत स्तर पर पहुंचकर आम जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है। राज्य के प्रत्येक पंचायत में जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में जनता की समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान आला अधिकारी और कर्मचारी करते थे। वर्तमान सरकार झारखंड के सुदूर गांवों से जुड़ रही है जबकि पूर्व की सरकारों ने ऐसा दूरवर्ती गांव में क्यों ना हो उस तक सरकार की नजरें, सरकार की आवाज, सरकार की योजनाएं पहुंचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपने देखा ही है इससे पूर्व सरकार आपके द्वार के माध्यम से पंचायत पंचायत में शिविर लगाया गया और उन शिविरों के माध्यम से लाखों समस्याओं का समाधान भी किया गया। इधर झारखंड सरकार की गलत नीतियों की दुहाई देते हुए भाजपा 11 अप्रैल को सचिवालय घेरने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा आज झारखंड कहरा रहा है, दर्द से व्याकुल हो चुका है। राज्य में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। वोट बैंक के नाम पर झारखंड में अपराधियों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। इन्हीं सब कारणों से सचिवालय घेरने भाजपा कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर राज्य की राजनीति में अभी खूब हलचल रहने वाली है। देखिए क्या है कि पिछले 3.5 साल से जो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है वो केवल भ्रष्टाचार के अलावा वो कोई काम नहीं। आप यहाँ संथाल प्रणाम में मौजूद है, यहाँ मुसलमान जो है वो जमीन कब्जा कर रहे हैं, वो शादी के बहाने कब्जा कर रहे हैं, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, गिट्टी बालू दारू सभी का केंद्र जो है वो संथाल पड़ना है। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग, भ्रष्टाचार, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा, इस तरह के ढेर सारे मुद्दे हैं। एक विकास का काम बता दीजिए जो है इसी गोड्डा में जो है पिछले 3.5 साल में हेमंत सोरेन जी ने किया, उनका जिला है ना। आज तो आए, आज तो मैं खुद जाना चाहता था लेकिन प्रशासन ने कहा कि आपके आने से जो है समस्या हो जाएगी। वो थे गोड्डा में, मैं स्वागत करना चाहता था क्योंकि कायर की तरह वो भाग गए हैं रांची से। 2011 जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे उनका घेराव करने के लिए, सचिवालय मतलब मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री में ये हिम्मत नहीं है कि वो जो है लोगों का सामना कर पाएं और वो 2 दिन वो संथाल बना में छुपे हुए हैं, जनता से वो कट गए हैं और इसीलिए झारखंड बचाने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते, बड़ी पार्टी होने के नाते, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये लक्ष्य है और ये उनको करना चाहिए, उसी के लिए वो सचिवालय घेराव की तैयारी में जा रहे हैं। कितनी संख्या में कार्यकर्ता जुटान की संभावना है सर? कम से कम 3 लाख लोग कल रांची की सड़कों पर। गोड्डा से लगभग कितने लोग जाएंगे? अब गोड्डा से देख ही रहे हैं आप, इनकी संख्या देख लीजिए, इससे जा रहे हैं कई, एक लोग बस से जा रहे हैं, जो बोरियो और सुंदर पहाड़ी के लोग हैं वो कई एक लोग बस से जा रहे हैं, कुछ लोग जिनके पास अपनी छोटी गाड़ियां हैं वो छोटी गाड़ियों से जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको टोटल कह सकता हूं कि 3 लाख लोग जाएंगे। जिनको घेराव करने जा रहे हैं वो खुद फरार है रांची? मैंने तो आज कहा देवघर में कि वो कायर है।
वो वीर शिबू सोरेन के लड़के हैं, उनसे हम अपेक्षा करते थे कि वो जनता का सामना करते, लेकिन मुझे लगता है कि वो कायर हैं और इसीलिए वो संथाल परिणाम में छुपने आ गए हैं। 10 और 11 कठोर होल्ड।